नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पश्चिमी यूपी में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने बसपा का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी रहे चौधरी विजेंद्र सिंह के इस्तीफा देने से राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार बसपा का एक धड़ा चौधरी विजेंद्र सिंह को मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की वकालत कर रहा था। यह पूछे जाने पर कि चौधरी विजेंद्र सिंह का अगला कदम क्या होगा, बसपा के पूर्व नेता ने कहा कि बहनजी का हमेशा आभारी रहूंगा, समर्थकों से बातचीत कर अगला कदम उठाऊंगा। बिजनौर लोकसभा सीट पर बसपा तीसरे नंबर पर थी। विजेंद्र सिंह को कुल 2,18,986 वोट मिले थे, वहीं सपा के दीपक को 3,66,985 वोट मिले थे, वह दूसरे नंबर पर थे। इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता और प्रत्याशी चंदन चौहान ने 4,04,493 वोट हासिल करके 37,508 मतों से जीत दर्ज की थी। चौधरी विजेंद्र सिंह के बसपा छोड़ने के पीछे भले ही कोई भी बड़ी वजह रही हो, लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह के इस कदम से बसपा को विधानसभा उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार बसपा का एक धड़ा चौधरी विजेंद्र सिंह को मीरापुर विधानसभा उपचुनाव लड़ाना चाहता था। इसको लेकर पश्चिमी यूपी के बसपा के कई नेताओं ने चौधरी विजेंद्र सिंह से मुलाकात भी की थी। बसपा सुप्रीमो से भी मुलाकात हुई थी और मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट फाइनल होने की भी चर्चा थी, लेकिन अचानक से चौधरी विजेंद्र सिंह ने बसपा को अलविदा कह दिया। चर्चा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जो उन्होंने बसपा छोड़ने का फैसला लिया। बसपा को अलविदा कहने वाले चौधरी विजेंद्र सिंह से जब बात की गई और पूछा गया कि बसपा क्यों छोड़ी, तो बोले, बहन जी ने मुझे बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ाया, उनका हमेशा आभारी रहूंगा। और बोले कि राजनीति में नए रास्ते तो तलाशने पड़ते हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि कहां जा रहे हैं, तो बोले, समर्थकों से बात कर फैसला लूंगा, नया घर कहां होगा। मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव लड़ने पर सवाल पूछा तो बोले, समर्थक चाहेंगे तो बिल्कुल मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, थोड़ा रुक जाइए, जल्दी आपको पता चल जाएगा कि नया घर और ठिकाना कहां होगा, मेरा अगला कदम भी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।